हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना संडे स्पेशल लंच रूटीन। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं सारी सब्जियों को अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मुझे सारी सब्जियाँ चॉप करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं लंच में पत्ता गोभी की सब्जी, मिक्स दाल और मेथी के पराठे बनाने वाली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी सारी सब्जियाँ चॉप्ड हो चुकी हैं। सबसे पहले मैंने मेथी को बॉईल होने के लिए रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मेथी बॉईल होने के लिए रख दी है। साथ ही साथ मैंने मेथी को दूसरी साइड गैस पर शिफ्ट कर दिया है और अब मैं इधर सब्जी बनाना स्टार्ट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर पत्ता गोभी की सब्जी बना रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें मटर डाल दी है और मटर को मैं ढक दूंगी, क्योंकि वो डालने के बाद ऊपर आती है, इसलिए उसे ढककर ही पकाना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मटर हो चुकी है। पत्ता गोभी ऐड कर दूंगी और पत्ता गोभी को भी इसके साथ में कुछ देर के लिए भून लूंगी। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको भूनती हूँ। पत्ता गोभी मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसके ऊपर कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। मैं पहले से इसमें कुछ नहीं डालती, मैं सारी चीज़ें इसमें ऊपर से ही ऐड करती हूँ। आप भी एक बार ऐसे ट्राई करके देखिए, ऐसे पत्ता गोभी की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मैं इसमें आलू और बाकी की सारी चीज़ें ऐड कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें बाकी के सारे मसाले ऐड कर दूंगी। मैं इसमें जो हम डेली रूटीन में मसाले यूज़ करते हैं, हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर, वही सब ऐड कर रही हूँ, कुछ स्पेशल नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, और मैं इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ, ये बिना पानी के ही बहुत टेस्टी बन जाती है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी सारी चीज़ों को और इसे स्लो फ्लेम पर पकने दूँगी। आप एक बार ऐसे जरूर ट्राई करिए पत्ता गोभी, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। साथ ही साथ अब मैं दाल बनने के लिए भी रख दूंगी। मैंने पत्ता गोभी को दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया है और इधर दाल बनने के लिए रख दी है। मैं यहाँ पर मूंग और अरहर की दाल मिक्स करके बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने धुली हुई मूंग डाल ली है। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, और साथ ही साथ स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करके कुकर का ढक्कन लगाकर इसमें सीटी आने दूंगी। मैं इसमें 4 से 5 सीटी लगाती हूँ। आप एक बार ये दाल जरूर ट्राई करिए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है और लंच के लिए तो ये काफ़ी अच्छी रहती है। साथ ही साथ मैं बीच बीच में पत्ता गोभी को भी चलाती जा रही हूँ, देखती रह रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कुकर में सीटी आ चुकी है और हमारी पत्ता गोभी भी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें धनिया ऐड कर दूंगी और 1 से 2 मिनट के लिए पकाने के बाद इसको बंद कर दूंगी गैस को। हमारी पत्ता गोभी बनकर तैयार हो चुकी है। और कुकर को मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, जब तक इसकी गैस निकलती है तब तक मैं आटे को भून कर तैयार कर लूँगी। आटे में मैं जो मैंने मेथी उबाली थी वो और नमक ऐड करूँगी। मेथी के पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप मेथी के पराठे काफ़ी तरीके से बनाते होंगे, बट मैं मेथी के पराठों को मेथी को बॉईल करके ही बनाती हूँ। आप चाहें तो मेथी के पराठे मेथी को काट कर भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे बॉईल कर ही ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए मैं बॉईल करके बनाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मैंने आटे को गूंथ लिया है और मैं इसे गूंदने के बाद ढककर रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा आटा तैयार हो चुका है।
अब मैं कुकर को खोलूँगी, कुकर की गैस निकल चुकी है और दाल को चेक करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है और काफ़ी अच्छे से पक गई है। अब मैं दाल में तड़का लगाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है और इसमें मैं डेली रूटीन की सारी चीज़ें ऐड करूँगी, जीरा, हींग और तड़के के लिए मैंने बारीक कटी हुई प्याज और लहसुन और कटे हुए टमाटर यूज़ करने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कटी हुई प्याज, लहसुन और हरी मिर्च ऐड कर दी है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी और टमाटर को भी अच्छे से पका लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसमें जो मैंने दाल को बॉईल किया था वो ऐड कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कितनी अच्छी दाल बनकर तैयार हो चुकी है और दाल को कितना अच्छा कलर आया है, ये देखिए फ्रेंड्स। अब मैं मेरी दोनों सब्जियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब मैं पराठे बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं पराठों को बना रही हूँ और अब मैं इसे तवे पर डाल दूंगी। तवा मेरा गर्म हो चुका है और इसको अच्छे से सेक लूंगी दोनों साइड से घी लगाकर। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा ये सिंपल सा छोटा सा लंच रूटीन था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।